हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके धान के खेतों में किसी भी प्रकार की पीलापन की समस्या है तो आप उसे किस प्रकार से आसानी से और वो भी कम खर्च में दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको अपने धान के खेतों में कौन कौन से पोषक तत्व को डालना चाहिए जिससे कि आपके धान के खेतों में आए हुए पीलापन की समस्या तुरंत दूर हो जाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके धान के खेतों में आए हुए पीलापन को दूर करने का सटीक और बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर हमारे धान के खेतों में पीलापन की समस्या आते हैं किस कारण से है और हम इसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो अगर आप मार्केट जाएंगे तो दुकानदार जो है आपको महंगी महंगी दवाइयाँ दे देते हैं जिसके वजह से आपका काफ़ी खर्च हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों, आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देखते हैं अपने राज्य के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो किसान भाइयों, बात करें कि हमारे धान के खेतों में पीलापन की समस्या आते क्यों है, तो इनके बारे में यदि मैं बात करूं तो हमारे धान के खेतों में पीलापन की समस्या आने का कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे धान के खेतों में BLB यानी जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं, अगर आपके धान के खेतों में BLB की समस्या है तो आपके धान पूरी तरीका से बर्बाद हो जाएगा। सो इसलिए BLB की समस्या को हम कैसे पहचान सकते हैं, आप इनके लिए हमारे चैनल पे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में वह वीडियो शो हो रहा होगा वहां से भी आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरी कारण के बारे में यदि मैं बात करूं तो दूसरी सबसे बड़ी कारण है हमारे धान के खेतों में पोषक तत्वों की कमी की वजह से। तो आपको मैं बता दूं कि कौन से पोषक तत्वों की कमी की वजह से यह समस्या हमारे धान के खेतों में देखे जाते हैं, तो मुख्य रूप से जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर नाइट्रोजन, इन्हीं पोषक तत्वों की कमी से हमारे धान के खेतों में पीलापन की समस्या देखे जाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आपको पता होगा कि जिंक जो है हमारे धान के पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाते हैं जिसके वजह से हमारे धान के पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं और उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक से हो पाते हैं। और मैग्नीशियम के बारे में यदि मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम जो है हमारे धान के खेतों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करते हैं और साथ में पौधे में पाचन क्रिया में भी मदद करते हैं जिसके वजह से हमारे धान के पौधे में बहुत ही अच्छी तरीका से विकास हो पाते हैं। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट की कमी धान के पत्तियां के ऊपर साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि यदि आपके धान के खेतों में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होगा तो धान के खेतों में पीलापन या फिर पत्तियों पे भूरे धब्बे दिखाई पड़ेंगे। और यूरिया के बारे में यदि मैं बात करूँ तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो कि नाइट्रोजन पौधे के विकास और पौधे के बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं कि आपको अपने खेतों से पीलापन की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कम से कम 30 से 35 केजी यूरिया लेना है और उनके साथ में 10 केजी मैग्नीशियम और उनके साथ में मोनोजिंक 33% वाले 5 केजी ले लीजिएगा और इन तीनों उर्वरक को एक साथ मिलाकर आपको अपने खेतों में बिखेर देना है। किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको इन उर्वरक को अपने खेतों में उस समय बिखेरना है जिस समय आपके धान के खेतों में पानी ना हो, क्योंकि कई बार पानी भरे रहने से भी हमारे धान के खेतों में पीलापन की समस्या आते हैं। तो अगर आपके धान के खेतों में पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले आपको उसे निकाल देना चाहिए। दोस्तों, यही था आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो आपके पास पहुँच सके।